हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं महारत, या फिर अपनी जबान में हम बोल सकते हैं कि यूज्ड कार मार्केट, जहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिल जाती है। तो आज हम उस मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए चलते हैं। गाइज, तो फाइनली पहुंच चुके हैं इमारत में। ट्रैफिक से लड़ झगड़ के, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा रश हो रखा था ट्रैफिक में। तो अब फाइनली पहुंचे हैं। तो ये वीडियो जो है, ये गाड़ियों के बारे में नहीं है आज, स्पेशली गाड़ियों के बारे में नहीं है। ये वीडियो है सिर्फ इमारत के बारे में कि इमारत में क्या काम होता है। गाड़ियों के बारे में अगर आपको वीडियो जाननी है तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे गाड़ियों के बारे में। उसके बारे में बताएंगे कौन सी गाड़ी कितने रुपए तक आ जाती है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इमारत के काम के बारे में, सही है। अभी देखा आपने, गाड़ियां तो खड़ी है यहाँ पे। तो इमारत का जो ये काम है यहाँ पे, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे प्रदर्शनी होती है या एग्जीबिशन गाड़ी होता है, तो अरबी में इसको इमारत बोलते हैं, या फिर यूज्ड कार सेल होती है। मैं ये काम है इमारत का, जैसे यूज्ड गाड़ियाँ सेल करना। और एक और जो काम है वो जैसे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करवाना, जैसे मरूर के थ्रू है ना, मरूर के थ्रू डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करवाना। जैसे अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, चाहे यहाँ से लो या बाहर से लो, आपको इमारत में ही आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र के लिए। ऐसे आप डायरेक्ट मरूर में जाके ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो एक ये भी काम है इमारत का, मेन जो काम है वो गाड़ियाँ बेचने के अलावा, जैसे पेपर ट्रांसफ़र कराना, पूरा काम जो है वो इमारत पूरी संभालता है। आप चाहे कहीं से भी गाड़ी ले रहे हो, या यहाँ से भी ले रहे हो, या बाहर से ले रहे हो, तो जो भी मतलब ज़िम्मेदारी है वो इमारत की होती है पूरा। जैसे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना, नाम ट्रांसफ़र करना, तो ये कुछ फीस लेते हैं अपनी 100-150 रियाल, वो ये करवा के देते हैं पूरा। आपको जैसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, सही है ना। के भागदौड़ से बचने के लिए, मतलब अगर आपको भागदौड़ ज़्यादा नहीं करनी मरूर के, जैसे ट्रैफिक पुलिस के चक्कर नहीं काटने, तो आपको एक इमारत में जाना पड़ेगा। फिर गाड़ी आप बाहर से ले रहे हो तो भी, यहाँ से ले रहे हो तो वो तो इन्वॉल्व हो गई, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इमारत इन्वॉल्व होता है, तो सारा काम जो है वो आपको करके देगा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के देगा, पूरे पेपर ट्रांसफ़र करके देगा। ये थोड़ी जो फीस है वो चार्ज करेगा बस, बाकी पूरा काम ही आपको करके देगा, ठीक है। बाकी गाड़ियाँ जो है, अगर गाड़ियों के ऊपर, स्पेशली अगर गाड़ियों के ऊपर वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह जल्द ही गाड़ी के ऊपर भी वीडियो हो जाएगी, किस रेंज तक की गाड़ी है वो भी इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे वीडियो। तो आज की वीडियो में बस ये इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनानी थी, इमारत ये तमाम में है उसमें। तो देखा, ये है, ये था वीडियो इमारत के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्द उम्रा की वीडियो सीरीज आने वाली है पूरी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह जल्द ही उम्रे पे जा रहा हूँ, तो पूरी सीरीज आएगी उम्रे पे पार्ट्स के अंदर, मतलब कहाँ से शुरू और कहाँ तक पूरा वो इंशाल्लाह सीरीज आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रही है चैनल के साथ में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, दिखाओ सबको ये मार्केट। तब तक के लिए चलती कलम मेरे चलते हैं पेच, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की, तू घर जा और कल अपने पापा को भेज, कुछ बकने से पहले तू नाम कर ले याद, साले तेरे जैसे कितनों की पकड़ी है।